तो आज हम जानेंगे कि कैसे अपना एक मूवी चैनल बनाकर हम ढेर सारा पैसा कमाएं, और साथ में अपना 2 साल का एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने भी मूवीज चैनल बनाए हैं और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। बट ये सब जानने से पहले ये सुनो दोस्तों, जब मैं एक नया यूट्यूबर था तो मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसे ही खुराफाती आइडियाज आते थे जैसे आपके आते हैं कि एक मूवीज चैनल बनाऊंगा और उससे ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। तो बस क्या था, लग गए हम और बना डाला एक मूवीज चैनल। शायद उस वक्त किस्मत ज़्यादा अच्छी थी तो इसलिए मेरी एक मूवीज उनमें से वायरल हो गई, जो मैंने अपलोड करी थी उस पर 3 मिलियन व्यूज से ज़्यादा आ चुके थे, और जिसके कारण मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया था। पर अब क्या था, हमने अब सोचा इसे मोनेटाइज के लिए रिव्यू में भेज देते हैं जिससे हमारा ये मोनेटाइज हो जाए। तो मुझे एक दिन बाद मैसेज में रिप्लाई आता है, योर कंटेंट नॉट श्योर, यानी कि आपका कंटेंट नहीं है तो ये रीयूज्ड है, जिसके कारण ये चैनल आपका अप्रूव नहीं हो सकता मोनेटाइजेशन के लिए। तो उसके बाद से मुझे सारा सिस्टम पता चला, मूवीज चैनल वर्क कैसे करते हैं और क्या रियलिटी है इन थर्ड पार्टी चैनल्स की, और बिना मोनेटाइज हुए चैनल पर एड्स कैसे। तो आज यही जानते हैं। ये सब सुनने के बाद शायद आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बट यही रियलिटी है। तो सुनो यार, ये कुछ इस तरीके से है, जितने भी आप सभी लोग मूवीज चैनल देखते हैं उनमें से कुछ ऑफिशियल चैनल रहते हैं बट दिखने में थर्ड पार्टी लगते हैं। पर अब आप बोलोगे, हमने तो काफ़ी सारे मूवीज चैनल देखे हैं जो थर्ड पार्टी हैं। तो सुनो यार, जितने भी थर्ड पार्टी चैनल्स हैं मूवीज़ के, वो अर्निंग नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास उस मूवीज़ के राइट्स नहीं होते। जितने भी थर्ड पार्टी मूवीज चैनल हैं सिर्फ सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए अपने चैनल पर मूवीज अपलोड करते हैं या दूसरे चैनल को प्रमोट करने के लिए। अब सबसे बड़ी रियलिटी भी सुनो, 2 साल के एक्सपीरियंस से बता मैं या अब कोई भी जो आपको यूट्यूब पर वीडियोज में ऐसे बोलते हैं या बताते हैं कि मूवीज अपलोड करें ऐसे बिना कॉपीराइट के और बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के, तो सुनो सब झूठ बोलते हैं। कारण भी बताऊंगा, रुको जरा। अब आप बोलोगे, तूने भी तो बनाई है ऐसी वीडियोस। हाँ हाँ, मैंने भी बनाई है ऐसी, पर इसका कारण है क्योंकि इन टाइप की वीडियोस पर व्यूज जल्दी आते हैं, जो कि मैंने व्यूज के लिए थोड़ी बनाई थी वीडियो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पर और हाँ, अब ये भी सुनो, अगर आप सच में कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मूवीज के ओनर से उसके राइट्स लेने होंगे, यानी कि आपको वो मूवीज परचेज करनी होगी, जो कि आप नहीं कर सकते। इसलिए इन टाइप की वीडियोस को देखना बंद कीजिए, और हाँ हो सके तो अपना कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करो, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो अपना टाइम वेस्ट करे। इसलिए अब से इस चैनल पर मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होंगी और आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकोगे।